नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा गला खस खराब होने की वजह से मैं आपको क्लियर वॉइस में वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ। वीडियो क्योंकि ज़रूरी था इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र की, जो सभी के लिए अनिवार्य है। ये पेपर 15 जनवरी 2018 को यानी आज ही संपन्न हुआ है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? रावी, सतलज, व्यास, चिनाब। इसका उत्तर होगा बी, व्यास। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित है? पटना, वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, वाराणसी। अगला प्रश्न, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर होगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। लाल दयाल, मदाम कामा, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धीगरा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मदन लाल धीगरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सीधो और कानो से संबंधित है? कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह या भील विद्रोह। इसका जवाब है ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह। भारत की संसद में शामिल है भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सभी। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 64। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है? 520, 528, 525 या 530। आंसर होगा ऑप्शन डी, 530। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया? रूस, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस। मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ? 224, 222, 223 या 221। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 224। हमारा 12वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 136.6 करोड़, 137.5 करोड़, 135.4 करोड़ या 134.2 करोड़। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 135.4 करोड़। निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2017 घोषित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप, द इबोला फाइटर्स, एंजेला मार्केल या द साइलेंस बेकर्स। तो आंसर, इसका आंसर है डी, द साइलेंस बेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग द्वारा 28 मई 2018 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन सा जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? मेवात हरियाणा, सुकमा छत्तीसगढ़, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश या नमसाल अरुणाचल प्रदेश।
इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा, छत्तीसगढ़। हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए के फिंगर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है? यशपाल, यू आर राव, लालजी सिंह, आर पी रस्तोगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लालजी सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, विमर्श स्तर, विभेदीकरण स्तर या अवबोध स्तर। इसका आंसर है बी, विभेदीकरण स्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? जॉन कीन्स, ए सी पीगू, अमर्त्य सेन, महबूबुल हक। आंसर है अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को सामान्यतः जाना जाता है राधाकृष्णन आयोग के नाम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से, कोठारी आयोग के नाम से या मंडल आयोग के नाम से? दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर बी, कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक यानी पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया? अगस्त कांटे, टी एस कून, डी एल मार्गन, ई एच आर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डी एल मार्गन। अगला प्रश्न, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो अंतरिम हो, जांची हुई हो, निश्चित हो, सर्वमान्य हो? उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतरिम हो। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954, 1958, 1956 या 1960? आंसर है बी, 1956। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? चीन, ईरान, इराक, सऊदी अरब। दोस्तों इसका उत्तर होगा आंसर सी, सऊदी अरब। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी के विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अगुवा कौन है? आर के पचौरी, वंदना शिवा, माधव गाडगिल या प्रदीप कृष्णन? इसका उत्तर है आंसर ऑप्शन सी, माधव गाडगिल। प्रश्न 24, ब्रितानी शासकों द्वारा किस रियासत को विनय सिद्धांत के तहत लिया गया था? झांसी, उदयपुर, ग्वालियर, अहमदाबाद। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर। सूर्य का सातवां ग्रह कौन सा है? यूरेनस, मंगल, शनि, बृहस्पति। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरेनस। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार है व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद सदस्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधिमंडल? इसका उत्तर होगा बी, राष्ट्रपति। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? श्रावस्ती, कानपुर, बलरामपुर, गाजियाबाद। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कानपुर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हो सकता है आज के वीडियो में आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना सुनाई दी हो। दोस्तों ये संभव है कि इसमें से एक दो प्रश्नों में कुछ वो हो,
मैंने अपनी जानवर सभी प्रश्नों के उत्तर सही बताए हैं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं, क्योंकि क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने आपको बहुत ज़रूरी थे, आपको भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, इसलिए मैंने ये वीडियो डाल दिया है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।